हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेयर्स इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की जिसका नाम है अमृत फ्यूजन। एक इंडियन ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होता है, विस्की सेगमेंट में अपना नाम वर्ल्ड वाइड रोशन करता है। ये जो विस्की है ये 2004 में लॉन्च की गई थी सिर्फ यूके के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया में इसको लॉन्च नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन मार्केट में सिंगल मॉल्ट का जो क्रेज था वो इतना नहीं था। सो इसके लिए इस विस्की को यूके के मार्केट में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2010 में ये इंडिया में लॉन्च की गई और उसके बाद आज तक ये विस्की वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ब्रांड बन चुकी है। इसकी जो डिस्टिलरी है ये बिलोंग करती है बेंगलोर कर्नाटका से, और वहीं पे ये विस्की बनती है, मेच्योर होती है, एज होती है और बॉटलिंग भी वहीं से किया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया विस्की है जिसको काफी सारे अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत ही कम इंडियन ब्रांड्स है सिंगल मॉल्ट में जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ब्रांड्स माने जा चुके हैं, जिसमें एक पॉल जॉन जिसका लास्ट टाइम मैंने रिव्यू किया था, आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। इसकी जो खासियत है विस्की की, इसका नाम क्यों इसको फ्यूजन नाम दिया गया है, फ्रेंड्स लेट मी टेल यू। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है में पीटेड बार्ली का यूज किया जाता है और अनपीटेड बार्ली का भी। जो पीटेड बार्ली है ये आता है स्कॉटलैंड से और अनपीटेड बार्ली है ये इंडिया का यूज किया जाता है। दोनों बार्ली से अलग अलग विस्कीज बनाई जाती है और अलग अलग विस्कीज को डिस्टिल करके अलग से ही मेच्योर किया जाता है अलग अलग बैरल्स में, और जब ये मेच्योरेशन होता है तब ये विस्कीज का जो फ्यूजन है ये विस्कीज ब्लेंड की जाती है एक दूसरे के साथ, और जो उसका ब्लेंड बनता है वो वापस एज किया जाता है कुछ सालों के लिए। सो इस वजह से ये जो ब्लेंडिंग होता है, ये जो फ्यूजन होता है, इस वजह से इस विस्की को फ्यूजन नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज है इस विस्की की जो मुझे काफी बढ़िया लगी, इस विस्की में आर्टिफिशियल कलरिंग एंड फ्लेवरिंग बिल्कुल भी यूज नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस विस्की सो मच। सो बाकी लेट्स टेक अ लुक ऑन द बॉक्स। सो फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स है ये मेटल का बॉक्स है और इसका कैप जो है ये भी मेटल का बना हुआ है और बेस भी मेटल का है। यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं 1948 जो कि इस डिस्टिलरी का एस्टेब्लिशमेंट डेट है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ अवार्ड्स मेंशन किए हुए हैं जो इस विस्की को मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक अवार्ड है जिम मूरेज विस्की बाइबल, यहाँ पे इसको 97 पॉइंट मिला है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा नंबर है विस्की सेगमेंट में, और पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कोहल जो स्ट्रेंथ है वो 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ये 750 ml का बॉटल है, और बाकी यहाँ पे कुछ सिग्नेचर दिया हुआ है जो कि आर नीलकंठा राव जगदले जो कि इस डिस्टिलरी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका, और बाकी बहुत बढ़िया बॉक्स है फ्रेंड्स, बहुत ही अट्रैक्टिव बॉक्स है। सो फ्रेंड्स, लेट्स ओपन द बॉक्स। काफी बढ़िया बॉटल लग रहा है फ्रेंड्स, इसका जो डिजाइन है काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने एम्बॉस करके रखी हुई है, जैसे कि अमृत यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है सिंस 1948 ये भी एम्बॉस्ड है। यहाँ पे नीचे भी बेंगलुरु इंडिया, सो ये बेंगलुरु से बिलोंग करती है डिस्टिलरी, इसलिए यहाँ पे ये भी चीज़ इन्होंने एम्बॉस करके रखी हुई है। फ्रेंड्स, इसका एक और चीज़ है नोटिस करने लायक, यहाँ पे इन्होंने कॉर्क दिया हुआ है जो कि इस विस्की को और ज़्यादा प्रीमियम बना देता है। फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट द बॉटल। सो लेट्स ओपन द बॉटल।
लेट्स पूर इट। फ्रेंड्स सो इसका जो कलर है गोल्डन, डार्क गोल्डन कलर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफी बढ़िया कलर लग रहा है और ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। लेट्स नोज इट। आई कैन सेंस लॉट ऑफ फ्रूट्स, एक स्वीट सा अरोमा आ रहा है, हनी एंड हिंट ऑफ वेनिला, हल्का हल्का स्मोक है, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स लेट्स टेक इट ऑन द पैलेट, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं उसमें पानी ऐड कर लेता हूं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा और एनहेंस हो जाए। लेट्स टेक इट ऑन द पैलेट नाउ। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बर्न नहीं दे रही है। इसका जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है वो है 42.8%, लेकिन उतना इसका बर्न पैलेट पे बिल्कुल भी नहीं है। ये आप इजीली नीट भी पी सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप थोड़ा सा पानी ऐड करके ही पीजिएगा। फ्रेंड्स पैलेट पे मुझे मिल रहा है थोड़ा स्पाइसीनेस, अ हिंट ऑफ स्वीटनेस लाइक हनी, फ्रूट्स ऑल्सो आई कैन सेंस एंड लिटिल लिटिल बिट स्मोक इज ऑब्वियसली देयर। फ्रेंड्स काफी बढ़िया विस्की है पैलेट पे, और एज कंपेयर टू पॉल जॉन आई कैन से मुझे इससे ज्यादा पॉल जॉन जो ब्रिलियंस जिसका मैंने रिव्यू किया था वो ज्यादा पसंद आई थी। ये भी काफी बढ़िया विस्की है, लेकिन आई वुड प्रीफर पॉल जॉन ब्रिलियंस ओवर दिस विस्की। दैट्स इट अबाउट टेस्टिंग। इसका प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये आपको आ जाएगी अराउंड 3,500 to 6,000 डिपेंडिंग ऑन इन विच स्टेट यू आर लिविंग। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, सो यहाँ पे इसका जो 750 ml का बॉटल आपको आ जाएगा अराउंड 5,200 के आसपास। लेट्स टॉक अबाउट रेटिंग्स। सो मैं इसको दूंगा 9.2 out of 10। दैट्स इट अबाउट अमृत फ्यूजन फॉर टुडे। Hope you enjoyed this video. Please hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends. And one more important thing, please drink responsibly, drink in a limit and don't drink and drive. Jai Hind.